केंद्र शासन व राज्य शासन के द्वारा जनमानस को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज खनियाधाना नगर परिषद के द्वारा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए स्वच्छता संवाद और कार्यशाला का आयोजन जनपद कार्यालय खनियाधाना में किया गया। इस कार्यशाला में नगरीय क्षेत्र की करीब 15 स्व सहायता समूह की महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रमुख वक्ता के रूप में श्री दिनेश देशराजन ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत की महिलाएं ही हैं जो स्वच्छता का संदेश जनमानस तक बहुत अच्छी तरीके से पहुंचा सकती हैं। अपने घर, मोहल्ले, नगर, राज्य व राष्ट्र को स्वच्छ रखने में एक अहम हाथ महिलाओं का ही हो सकता है। कई तरह के प्रयोगों के द्वारा दिनेश देशराजन ने स्व सहायता समूह की महिलाओं को नगर की स्वच्छता के प्रति जागरूक रखने का प्रयास किया। इस मौके पर नगर परिषद सीएमओ हरिराम यादव, स्वच्छता इंस्पेक्टर राजीव यादव, सामाजिक कार्यकर्ता फिरोज अली के साथ अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कार्यशाला में भाग लिया। इस स्वच्छता सम्मान को लेकर खनियाधाना नगर पालिका की तरफ से ये आयोजन किया गया था और अभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 चल रहा है। अभी नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में तमाम जो शहरी क्षेत्र है उसमें हमारी सर्वेक्षण करने वाली टीम आने वाली है। उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हमने खनियाधाने में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को लेके ये एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन रखा था। इसके पीछे उद्देश्य इतना है कि स्वच्छता का सीधा सीधा संबंध इन महिलाओं से है, क्योंकि महिलाएं ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम स्वयं सहायता समूह को लेके जो सरकार की महिला सशक्तिकरण की जो योजनाएं हैं, तो हम इस अपने अभियान से जो स्वच्छ भारत अभियान है शहरी क्षेत्र का, उससे जोड़ रहे हैं और हर वार्ड में जाके हम एक स्वच्छता समिति का इन महिलाओं और पुरुषों के माध्यम से गठन करना चाहते हैं, जिससे हमारा नगर साफ स्वच्छ हो सके और सुंदर बन सके, जिससे जो होने वाली तमाम बीमारियां हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में होती हैं, उनको हम रोक पाएं।